नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ आरती गहलोत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मिर्गान पुलिस चौकी से 23-24 जून की दरमियान रात बंदूक और 150 कारतूस चोरी होने के मामले में पुलिस अधीक्षक ललित साकेवार ने TI दिमकी शिव कुमार शर्मा को कारण बताओ नोटिस दिया है। इधर चौकी पर तैनात दोनों सिपाही नीरज गुजर और विक्रम परमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। चौकी से सरकारी बंदूक चोरी के प्रयास के मामले को पुलिस ने गंभीरता से लेते वे प्रथम दृश्य दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई में 24 घंटे से अधिक समय लगा दिया। वही दिमनी थाना प्रभारी को प्रथम दृश्य दोषी बनाते हुए उन्हें भी नोटिस जारी किया गया है, क्योंकि चौकी का प्रभार थाना प्रभारी दिमनी पर है। उनका सही ढंग से सुपरविजन ठीक नहीं रहा है। राइफल गायब होने जैसी घटना घटित हुई है। इस मामले की जाँच मुरैना CSP राजेंद्र रघुवंशी को सौंपी गई थी। उन्होंने मामले की जांच कर प्रारंभिक जांच रिपोर्ट मुरैना पुलिस अधीक्षक को सौंपी है। उस पर से मुरैना SP ने TI को नोटिस दिया है, दो सिपाहियों को सस्पेंड किया है। दो दिन पहले चोरी की वारदात हुई थी, राइफल चोरी की, तो उसमें आगे अभी अपडेट क्या हुई है आपके बारे में, क्या अपडेट हो रही है? जो है हम सब लोग यहाँ मौके पर गए थे, घटना को जो है गलत तरीके से थाने से फीड किया गया था, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं था। उसके बाद जो है इसको न्यूज को फ्लैश किया था, थाना प्रभारी ने भी बगैर वहाँ तस्दीक किए इसको बताया था। तत्समय हमने जो है जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक चैनल के साथी लोग थे उनको सबको बताया था कि चोरी नहीं हुई है, मिसप्लेस हुई है, राइफल उसी कमरे में रखी हुई थी। उस समय हमारी फिंगरप्रिंट की और FSL की जो टीम थी वो वहाँ काम कर रही थी और उसने वहाँ इम्पोर्टेंट साक्ष्य एकत्रित किए थे। तो उसी दिन मैंने ये क्लियर कर दिया था कि चोरी नहीं, मिसप्लेसमेंट था। बाकी चौकी प्रभारी चूक सिक में था उस समय, उसका उसको बुलाया गया, सब चीज़ें देखी गई। तो ये सब चीज़ें थाना प्रभारी ने हमको बताया कि सब चीज़ें जो काटी थे और राइफल थी सब जो है वहीं पे हैं। लेकिन ये सब चीज़ें क्यों बताई गई, हमारे जो पुलिस कर्मचारी चौकी पे थे वो कहाँ गए थे, उनके द्वारा इस तरीके से गलत ब्रीफिंग क्यों की गई, ड्यूटी पे थे अथवा नहीं थे, इतनी इम्पोर्टेंट जो है चौकी है वहाँ से इनका ड्यूटी में होना और इस तरीके की रिपोर्टिंग करना, इस तरीके की सनसनी फैलाना और उसके बाद जो है ये सब उनके पदी कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही और कदाचरण तथा पुलिस जैसे चौकी जैसी सुरक्षा के महत्वपूर्ण दायित्व को उन्होंने जो है अपनी नज़रअंदाज करके कहीं दूसरी जगह चले जाना, ये इन सब कारणों से प्रथम दृष्टया पाए जाने पर उनके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई है। और थाना प्रभारी का भी इसमें सुखा नोटिस दिया गया है और संबंधित जो है जो चौकी प्रभारी हैं उनके संबंध में भी जो है जाँच CSP स्तर के अधिकारी से की जा रही है और बाकी जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि क्या। अभी दो लोग सस्पेंड हुए हैं तो उनमें से दो लोग कौन-कौन हुए? जो आरक्षक थे वहाँ पे, दोनों आरक्षक हैं जो उसमें चौकी पर उनकी ड्यूटी थी, दोनों को निलंबित किया गया है और TI के विरुद्ध भी जो है उनको जो है जाँच के लिए CSP को लगाया गया है। CSP उसमें फैक्ट पूरे पता करेंगे और चौकी प्रभारी। मुरैना से संवाददाता विष्णु पंडित की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही, आगे की और खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे आज तक 24 न्यूज़।